बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मौका था 11वें राष्ट्रीय विवाह योगी त्यागी युवक युवती परिचय सम्मेलन का। गाजियाबाद में आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण सभा द्वारा किया गया था। सम्मेलन में बड़ी संख्या में दूर दराज से विवाह योग्य युवती और युवकों ने भाग लिया। स्टार हेरिटेज में आयोजित सम्मेलन में आपसी परिचय के अलावा बताया गया कि अगले साल होने वाले विधान परिषद स्नातक के चुनाव में सुनील कुमार त्यागी को समर्थन देने का निर्णय लिया गया है। सुनील कुमार त्यागी मेरठ सहारनपुर मंडल से स्नातक पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इस दौरान सम्मेलन में समाज के तमाम मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी त्यागी ने कहा कि समाज निर्माण में त्यागी समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। त्यागी समाज ने दहेज प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। समाज के निर्माण में त्यागी समाज की बड़ी भूमिका रही है और वर्तमान में जो त्यागी समाज गाजियाबाद ने आज युवक युवती से परिचय सम्मेलन और प्रतिभाओं का जो सम्मान का एक कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से समाज में एक जागृति के निर्माण का भी काम है और जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे दहेज प्रथा है उसे भी रोकने में एक बड़ी भूमिका इस कार्यक्रम की रहेगी। और जो प्रतिभावान इस समाज के छात्र हैं, नौजवान हैं, उन्हें भी ये प्रेरित करने वाले कार्यक्रम है, निश्चित रूप से उसमें भी लाभ मिलेगा। मुझे जो आज जिन युवक युवतियों का आज इस परिचय सम्मेलन में संबंध स्थापित होगा वो और जो प्रतिभाओं का सम्मान हुआ है उन्हें मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और जो हमारा त्यागी समाज गाजियाबाद है जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है उन्हें सभी आयोजनकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहूँगा। वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने अपने हाथ में लिया है और सफलतापूर्वक संपन्न भी हुआ। युवक युवती परिषद सम्मेलन में भी इसकी एक ही कड़ी मात्र है। पूर्व सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। जगह जगह से लोग आए हैं, ये परिचय सम्मेलन है और इसी में भाग लेने के लिए हम भी आए हुए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश आप देंगे? यही है कि जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से अलग जाकर के ठीक करना चाहिए, तभी कोई समाज प्रगतिशील समाज बनेगा। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा शरण त्यागी ने कहा कि MLC प्रत्याशी सुनील कुमार त्यागी ने समर्थन के लिए त्यागी ब्राह्मण समाज की सभी इकाइयों को पत्र लिखा गया है, साथ ही उन्हें पूर्ण समर्थन देते हुए चुनाव लड़ने का आह्वान किया गया है। यह ऐसा है, गंगा शरण त्यागी नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय उपभोक्ता परिषद का, मेरठ में रहता हूँ। हमारे मैं त्यागी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने निर्णय किया है कि आपके ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी त्यागी को लड़ाया जाए और उसके लिए हम सभी समिति जितनी भी हैं सबने सर्वसम्मति से सुनील त्यागी का नाम प्रस्तावित किया। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे 9 जिलों में त्यागी भी बहुसंख्यक तरीके से रहते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इनका जीतना निश्चित है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा है, राजनीतिक तो लड़ते ही हैं, वो तो राजनीति करते हैं, लेकिन ये निर्दलीय है, किसी दल से संबंधित नहीं है। इसे समाज ने खड़ा किया और हम जैसे जो है जो सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। आज अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण समाज गाजियाबाद और महानगर के सौजन्य से ये गाजियाबाद में त्यागी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस पत्रिका में वैवाहिक विज्ञापन छापे गए हैं कि ब्राह्मण सभा गाजियाबाद ने इसमें समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वैवाहिक विज्ञापन प्राप्त किए हैं और लोगों ने अपनी मर्जी से में अपने बच्चों के बायोडाटा इसमें दिए हैं ताकि उनकी शादी विवाह में आसानी हो सके। इस मौके पर किठोर विधायक सत्यवीर त्यागी, अजीत पाल त्यागी, राकेश त्यागी, अजय त्यागी, मुकेश त्यागी, प्रेम दत्त त्यागी, रामकिशन त्यागी, सुरेश त्यागी, राजीव त्यागी आदि मौजूद रहे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।